कैंट थाना क्षेत्र में डॉक्टर दंपत्ति को धमकी देकर 10 लाख रुपयों की रंगदारी मांगने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया कि 19 अक्टूबर को प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार आर्य सपरिवार रात्रि में सिटी मॉल्स में पिक्चर देख रहे थे, तभी एक अनजान नंबर से उनकी पत्नी रंजना आर्य के मोबाइल नंबर पर फोन एवं व्हाट्सएप करके 10 लाख रुपये की रंगदारी प्रोटेक्शन मनी के रूप में मांगी गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर घटना में सम्मिलित अभियुक्त शमीन अहमद पुत्र डॉक्टर नसीम निवासी रानीपुर परसोहिया थाना पुरंदर जिला महाराजगंज को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल सेट बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया। मुझे अकाउंट इकट्ठा करवा देना। उसका प्रोफाइल पता चला क्या? समीर ये दिनांक 19/10/2018 को डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार आर्य अपनी पत्नी के साथ रंजना कुमार आर्य के साथ सिटी मॉल में मूवी देख रहे थे। उसी दौरान उनकी पत्नी के मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज आया कि 10 लाख रुपए का डिमांड का, और फिर बाद में फ़ोन भी उस नंबर से किया गया 10 लाख रुपए का रंगदारी का, जिसके संबंध में उन्होंने थाने पर सूचना दी। मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की तलाश की गई और अभियुक्त पकड़ा गया है। ये अभियुक्त मोहम्मद शमीम नाम का अभियुक्त है और इसके मोबाइल से ही 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसका कहना यह है कि इसको पता चला था कहीं से कि ये डॉक्टर साहब हैं और इनके पास मतलब कुछ पैसे मिल सकते हैं, इस आधार पे इसने रंगदारी वसूलने का प्रयास किया था। इसके पहले कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिल पाया है, प्रयास किया जा रहा है। ये अपने आप को बता रहा है कि मैं मदरसा में टीचिंग का काम करता था। और ये मैसेज, ये नंबर बता रहा है कि बताइए, पूछ बताएगा डॉक्टर सुनील आर्या 302 जी सर।